आओ बेटा, अब हम कर रहे हैं आगे फॉर्मूलाज। फॉर्मूला नंबर 11, साइन टू थीटा, साइन टू एक्स बोलो, साइन टू थीटा, वट एवर यू वॉन्ट। इसका फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक और होता है टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे हुआ उसकी बाद में हम करेंगे। अब आता है कॉस टू थीटा। का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस टू थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला। दूसरा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, चौथा वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये चार फॉर्मूलेज हैं। अगेन इसकी भी डेरिवेशन बाद में कराऊंगा क्योंकि कराने बैठा तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं बोर हो जाओगे। फिर आता है नेक्स्ट टैन टू थीटा। ये होता है टू टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो पहले इन्हें नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन 20 क्या कहता है, साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टू साइन एक्स। ये प्रूफ करना है। LHS आपको वैसे इतनी समझ तो आई चुकी है कि साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन ए माइनस साइन बी। ये होता है मेरा टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। क्या हो जाएगा टू कॉस ए प्लस बी यानी एक्स प्लस थ्री एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस थ्री एक्स बाई टू, राइट। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, मैं नीचे से माइनस कॉमन ले लूंगा। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों ऐसा, माइनस कॉमन लो फिर बताता हूँ। जब माइनस कॉमन लूंगा तो जो साइन स्क्वायर है वो पॉजिटिव था, अब क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट, माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये नेगेटिव था पॉजिटिव, इसको मैंने जानबूझ के इस वे में अरेंज करा है। जरा नोटिस करो कुछ बन रहा है, क्या हो जाएगा ये टू कॉस टू एक्स इंटू साइन माइनस एक्स अपॉन में, अब इसके ऊपर फोकस करना क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी मेरे को पता है कॉस टू थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ टू थीटा, अगर यहाँ मैं एक्स कर दूँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो क्या हो जाएगा कॉस टू एक्स, तो दैट इज माइनस कॉस टू एक्स। ओके अच्छा माइनस तो ऊपर आ जाएगा, एक तो कैंसिल हो गया, दूसरा साइन के अंदर नेगेटिव साइन माइनस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा, माइनस नीचे ऊपर आ जाता है माइनस टू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन 12 पे आते हैं। क्वेश्चन 12 और 13 मैंने दिखाने के लिए कराऊंगा एक क्वेश्चन 12, 13 आप होमवर्क में करेंगे। साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन टू एक्स, साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स इज इक्वल्स टू दिस। LHS पिक करते हैं, साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स,
यहां हम यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पहले यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ये हो जाएगा साइन सिक्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन फोर एक्स का होल स्क्वायर। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, उनके लिए बता दूं कि बेटा कभी साइन स्क्वायर थीटा लिखाओ, यानी साइन स्क्वायर कुछ भी एंगल है, इसका मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, तो लगा दो, ये हो जाएगा साइन सिक्स एक्स माइनस साइन फोर एक्स इंटू साइन सिक्स एक्स प्लस साइन फोर एक्स। लगा दो इसका फॉर्मूला, साइन ए माइनस साइन बी का अप्लाई हो जाएगा इस पे, साइन ए माइनस साइन बी टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, और इस पे साइन ए प्लस साइन बी ये हो जाएगा टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू करो, टू कॉस ए प्लस बी सिक्स प्लस फोर टेन, टेन बाय टू फाइव, फाइव एक्स इंटू साइन ए माइनस बी सिक्स माइनस फोर टू, टू बाय टू एक्स राइट, इंटू में इसके ऊपर भी लगाओ टू साइन 5x into cos x। अब फोकस करना, नोटिस करो 2 cos 5x sin x 2 sin 5x cos x, मैं क्या करूंगा यहां ये जो सेम एंगल वाले है सब 5x 5x वाले इनको एक तरफ कर दूंगा, एक साथ कर दूंगा, और जो एक एंगल x वाले है ये x वाले इनको एक साथ कर दूंगा, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में है ना भाई, टू थ्री फोर मान लो मैंने लिख दिया, तो थ्री टू फोर लिखूं या फोर टू थ्री कोई मैटर नहीं करता, सेम यहाँ पर हो जाएगा क्या, पहले फाइव एक्स अरेंज कर देते हैं टू साइन, एक सेकेंड टू साइन फाइव एक्स इंटू कॉस फाइव एक्स ये एक साथ कर दिए, फाइव एक्स वाले एक साथ, अच्छा अब x वाले एक साथ कर दो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा मैंने क्यों करा, अगर आप देखो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा का, आओ साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी यहां पर अगर एंगल सेम है थीटा थीटा तो साइन में एंगल डबल, तो क्या हो जाएगा साइन टू इंटू फाइव एक्स, सेम टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स, तो क्या हो जाएगा फाइनली साइन टेन एक्स इंटू साइन टू एक्स, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसे आप अपने आप सॉल्व करना, ये बिल्कुल सेम है जैसा। अब आता है क्वेश्चन 23, असली क्वेश्चन, टैन 4x को इसके इक्वल प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स जरा फोकस करना जो बात बोलूंगा, मान लो मैंने बोला टैन 2x तो फॉर्मूला क्या बैठेगा, 2 टैन x tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x राइट। अच्छा लेट्स से एक बात नोटिस करो, अगर यहाँ 2x तो यहाँ एंगल x,
लेट्स से मैं अगर यहाँ एंगल 4x कर दूँ तो यहाँ एंगल कितना होना चाहिए, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan square 2x, राइट? भाई एंगल क्या हो जाएगा, हाफ। लेट्स से मैं अगर यहाँ 6 कर दूँ तो tan 6x, तो क्या हो जाएगा, 2 tan 3x अपॉन 1 माइनस tan square 3x, यानी जितना एंगल यहाँ पर है उसका हाफ हो। आई होप इतना पॉइंट तो क्लियर हो। ये मैंने क्यों बताया, जरा नोटिस करना, मेरा है 4x, राइट, एंगल पे फोकस करना, एंगल है 4x और प्रूफ करते करते एंगल कितना x, यानी एंगल को हमने तब तक तोड़ना है जब तक वो x पे ना पहुंच जाए। ध्यान से समझो, यहाँ एंगल कितना था 2x, 2 थीटा के फॉर्मूले से क्या होता है, एंगल ब्रेक होते हैं। देखो बेटा ध्यान से, आई गेस नॉट दिस वन, या ये वाला, कि अगर यहां एंगल 2 थीटा है तो यहां पर थीटा हो गया, राइट? देखो 2 थीटा तो थीटा, 2 थीटा तो थीटा, एंगल यानी ब्रेक, टूट रहे हैं। तो अब उस क्वेश्चन पे वापसी आते हैं, कब तक एंगल को ब्रेक करना है, तब तक जब तक 4x से वो x पे ना पहुंच जाए। तो अब इसी चीज का यूज करेंगे, कैसे, tan 2 थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट? अब अगर यहां 4x है तो RHS में x पे पहुंचाना है। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ 2 थीटा तो थीटा, अगर यहाँ 2x कर दूं जैसे यहाँ पे कर रहे हैं तो RHS में x, और अगर कर दूं 4x तो RHS में 2x, तो tan 4x क्या हो जाएगा, 2 tan 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। मेरा आंसर अभी भी नहीं आया, क्यों, मैंने बोला तब तक तोड़ो जब तक एंगल आपका x पे ना आ जाए, अभी फिलहाल 2x पे पहुंचा है, तो क्या करूं, अगेन इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। कैसे भाई, समझो 2 tan 2x है, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, इसका मतलब क्या होता है, tan 2x का होल स्क्वायर, राइट? अगेन अप्लाई कर दो, tan 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, टू इंटू tan 2x क्या हो जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, राइट? क्या हो जाएगा, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, कर दो सॉल्व, 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि जब a बाई बी का होल स्क्वायर हो तो न्यूमरेटर में भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर होता है। सॉल्व करने के लिए एलसीएम करो नीचे, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, एलसीएम कर दो, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। नीचे वाला रेसिप्रोकल, 4 tan x अपॉन
वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स इंटू में वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में, अब इसे ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू टैन स्क्वायर एक्स माइनस फोर टैन स्क्वायर एक्स, ये कैसे है एक बार इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इस पे अप्लाई होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू वन इंटू टैन स्क्वायर एक्स, इस तरह करके ये बनाए, अब देखो फायदा ये कैंसिल, फोर टैन एक्स वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन में, इसे ओपन करो, वन प्लस टैन की पावर फोर माइनस टू टैन स्क्वायर एक्स माइनस फोर टैन स्क्वायर एक्स, अब फोर टैन एक्स वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स सॉल्व कर दो, वन प्लस टैन की पावर फोर एक्स माइनस सिक्स टैन स्क्वायर एक्स, यही आपको प्रूफ करना था, प्लस टू आर एच एस हेंस प्रूफ। आइए बेटा करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कॉस फोर एक्स को इसके इक्वल प्रूफ करना है। अगेन नोटिस करो, यहां फोर एक्स तो यहां एक्स, यानी तब तक ब्रेक करो जब तक फोर एक्स से एंगल एक्स पे ना आ जाए, तो कौन से फॉर्मूला, वही कॉस टू थीटा वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, आपको पता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखो कई सारे फॉर्मूला है, सबसे पहला टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, मल्टीपल फॉर्मूलाज। बट अब सवाल ये आता है कि इसके लिए फिट कौन सा बनता है, खुद पहचानने की कोशिश करो जरा, वन माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स कौन सा लगता है थोड़ा सा मिलता जुलता हो सकता है, बहुत सिंपल पैटर्न है वन माइनस, तो इस वाले को पिक करना सबसे आसान रहेगा, होने को सबसे हो जाएगा बट सबसे ईजिली इससे होगा, तो क्या यूजिंग कौन सा, कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, लगा दो इस पे आ जाओ, एल एच एस कॉस फोर एक्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर वन माइनस टू साइन स्क्वायर टू एक्स, क्यों, अगर यहाँ आपका 2 थीटा तो यहाँ थीटा, अगर यहाँ आपका 4x तो यहाँ 2x, एंगल हाफ हो जाएगा, राइट। मैं से क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 2x को साइन 2x का होल स्क्वायर, ओके जी। अब क्या करूँ, अगेन अप्लाई कर दूंगा मैं क्या साइन 2x का फॉर्मूला, तभी तो जाके ये 2x से x पे आएगा, अगेन एक्चुअली अगेन नहीं लिखना चाहिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 2 साइन x कॉस x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर एक्स, कर दो इसे ओपन, वन माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया पूरा सिंपल इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो अब इससे रिलेटेड होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके, आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर
21, 23, 24 ये आपके होमवर्क में आएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।